हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से ही होंगे। आज की जो वीडियो है, ये वीडियो हम बना रहे हैं इशू ऑफ शेयर टॉपिक है। ये क्लास ट्वेल्थ अकाउंट की बुक है TS ग्रेवाल की, जिसमें आपका बुक प्रिंट हम देख सकते हैं। डबल एंट्री सिस्टम TS ग्रेवाल की बुक, जिसमें वॉल्यूम सेकेंड इस वक्त है। इशू ऑफ शेयर को लेकर के बच्चों बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज की वीडियो बनाई जा रही है। इसमें हम एक प्रॉब्लम लेंगे जिसमें प्रोराटा अलॉटमेंट की समस्या है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो हम इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कम समय में ज़्यादा बताने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप अच्छी तरह नॉलेज लेना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, तो अब एग्ज़ाम में आप लोगों को अच्छे नंबर लाने भी हैं। तो आज मैं प्रोराटा अलॉटमेंट एक डिफरेंट तरीके से जो है बताने की कोशिश करूँगा। ऐसा शायद स्कूलों में बताया नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आप अगर इस टेक्निक को अपना करके अच्छे से अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, तो शायद बहुत अच्छा रिस्पांस आपको मिल सकता है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम प्रॉब्लम लेंगे। यहाँ पर हमारे सामने प्रॉब्लम है 81 क्वेश्चन नंबर है, जिसमें लिखा राजा लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 50,000 शेयर्स इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन। आप देख रहे हैं यहाँ पर ₹3 पर शेयर है, अलॉटमेंट पर ₹5 पर शेयर है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बाकी बैलेंस है। तो बाकी बैलेंस कितना बचेगा? अगर यहाँ ₹10 है, तो जाहिर सी बात है ₹3 ₹5 हो चुके हैं, तब ये वाली बैलेंस की जो कॉल है कितने की होगी? ₹2 की होगी, क्योंकि इनका टोटल मिला करके ₹10 होना चाहिए। सब चीज़ समझते चलेंगे बारीकी से, तब हमें वर्किंग बनाने में बहुत आसानी होगी। क्वेश्चन को जब भी सवाल सोल्व करिए, अंत तक बहुत बारीकी से स्टडी कीजिए। एप्लीकेशंस फॉर 70,000 शेयर्स वेर रिसीव्ड, अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल एप्लीकेंट्स ऑन प्रोराटा बेसिस। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टूवार्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। रमेश हु हैड अप्लाइड फॉर 700 शेयर्स डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, एंड ऑन हिज फेलियर टू पे द अलॉटमेंट मनी हिज शेयर्स वेर फॉरफिटेड। आफ्टरवर्ड्स द फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल वाज मेड। इसका मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही है। आधार हु हैड बीन अलॉटेड 500 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हिज शेयर वर आल्सो फॉरफिटेड। आउट ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स 900 शेयर्स वेर इशूड एट ₹9 पर शेयर एज फुली पेड अप। द रीशूड शेयर्स इंक्लूडेड ऑल द शेयर्स ऑफ रमेश। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द एबव ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ द कंपनी। सवाल को ध्यान से देखेंगे, सवाल को अंत तक समझेंगे, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सवाल ये है कि क्या हमने क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लिया है। अगर हाँ, तो सवाल आगे बढ़ेगा, अगर ना, तो सवाल आगे नहीं बढ़ेगा। फिलहाल हम ये समझ के चल रहे हैं कि आप लोगों ने भी हमारे साथ क्वेश्चन को ध्यान से देखा, समझा और जाना है। ये दिल्ली 2013 कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो एप्लीकेशन 70,000 शेयर्स का रिसीव्ड हुआ है, जबकि इनकी रिक्वायरमेंट 50,000 शेयर्स की है। मौजूदा टाइम में 50,000 शेयर्स की है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। इसकी वर्किंग सबसे अच्छी तरह से क्लियरली आपको समझना है। अगर वर्किंग आपने समझ लिया, तो समझ लो आपने बहुत बड़ा किला फतह कर लिया है। तो इस वजह से आप सोचेंगे कि इसकी वर्किंग आखिर होगी कैसे। तो हम इसकी वर्किंग आज बहुत ही डिफरेंट तरीके से बताएंगे। जाहिर सी बात है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन की अधिक आवश्यकता होगी। सबसे पहले आप ये पता लगाइए कि जब कंपनी की रिक्वायरमेंट है 50,000 की, तो क्या एप्लीकेशन 50,000 से ज़्यादा की आई है? तो हाँ, एप्लीकेशन 70,000 की प्राप्त हुई है। अब ये देखिए कि अलॉटमेंट जब हुआ है, तो क्या उसमें से कुछ शेयर रिजेक्ट हुए हैं या नहीं। तो पता चलता है कि अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल एप्लीकेंट ऑन प्रोराटा बेसिस,
इसका मतलब है सभी शेयरों को प्रोराटा अलॉटमेंट के आधार पर इशू कर दिया गया है। इसका मतलब होता है उन शेयर होल्डरों ने जिन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा शेयर की डिमांड की थी उनको कम शेयर दिए गए हैं। जाहिर सी बात है कंपनी को 70,000 शेयर चाहिए और 50,000 शेयर की रिक्वायरमेंट अगर है और 70,000 शेयर उनके पास एप्लीकेशन पे प्राप्त हुआ है तो क्या वो 70 के 70,000 रख लेंगे? बिल्कुल नहीं रख सकते हैं, जाहिर सी बात है कि नहीं रख पाएंगे। और अगर 70,000 के नहीं रखेंगे तो आखिर 20,000 शेयर का पैसा कहाँ जाएगा? तो यहाँ पर 50,000 की ज़रूरत है और 70,000 की एप्लीकेशन है तो 50,000 शेयर इनके रिक्वायरमेंट में है और 20,000 इनका एडजस्ट होगा अगली कॉल पर, क्योंकि इन्होंने वापसी के बारे में कुछ कहा ही नहीं। इन्होंने कहा एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। इसका मतलब हुआ एप्लीकेशन पे जो फालतू पैसा प्राप्त होगा उस पैसे को हम अलॉटमेंट पे ट्रांसफ़र कर देंगे। रमेश हु हैड अप्लाइड फॉर 700 शेयर, यह देखने की कोशिश करिए कि किस व्यक्ति ने, किस शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट पर पैसा रोका है। तो यहाँ पर रमेश जो है इसके पास 700 शेयर अप्लाइड में है। अप्लाइड का मतलब इसकी डिमांड थी कि मुझे 700 शेयर मिलना चाहिए। डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, इसने अलॉटमेंट का पैसा रोक लिया। एंड ऑन हिज से फेलियर टू पे द अलॉटमेंट मनी हिज शेयर्स वेयर फॉरफिटेड, जैसे ही उसने अलॉटमेंट का पैसा रोका कंपनी ने तुरंत इसके शेयर को फॉरफिट कर लिया। आफ्टरवर्ड, इसके बाद द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड, इसके बाद फर्स्ट और फाइनल कॉल की डिमांड हुई। आधार हु हैड बीन अलॉटेड 500 शेयर्स, आधार जो कि 500 शेयर का होल्डर है, डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसने फर्स्ट और फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया। इसका मतलब है आधार को 500 शेयर मिले थे, इसने कितना मांगा था यह मायने नहीं रखता है, क्योंकि यहाँ पर एक राज की बात आपको समझनी होगी। His share were also forfeited. यहाँ पर राज की बात मैंने शब्द यूज किया है, तो राज की बात का मतलब होता है कि क्या आधार ने अलॉटमेंट का पैसा रोका? तो जवाब है कि अलॉटमेंट पर आधार ने पैसा नहीं रोका, क्योंकि आधार ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा रोका है। यहाँ लिखा है डिड नॉट पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर यह पता चलता है कि जिस व्यक्ति ने, जिस शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट पर पैसा रोका है उस शेयर का हमें अप्लाइड और अलॉट दोनों पता होना चाहिए, यानी कितना शेयर उसने मांगा है और कितना शेयर उसको प्राप्त हुआ है। उसके बाद फॉरफिटेड होने की कहानी के बाद रीइशू का प्रोसीजर चालू हो जाएगा। अब हम इसकी वर्किंग को बहुत ध्यान से समझते हैं। वर्किंग एक यूनिक सिस्टम से हम करेंगे जिसको आप ध्यान से देखेंगे, बारीकी से देखेंगे तो समझ जाएंगे कि मैंने इसमें एक नई चीज़ क्या डाली है और के मुकाबले। तो यहाँ पर देखेंगे तो वर्किंग आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, तो ध्यान वाली बात ये है कि सबसे पहले आप देखिए कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कंपनी की। आर का मतलब होता है रिक्वायरमेंट, ए का मतलब होता है एप्लीकेशन यानी अप्लाइड। कंपनी ने कहा हमें 50,000 शेयर्स की रिक्वायरमेंट है, एप्लीकेशन 70,000 का प्राप्त हो गया 70,000 शेयर का। अब कंपनी ने कहा कि हमने 70,000 को ही प्रोराटा कर दिया। प्रोराटा का मतलब होता है अपनी ज़रूरत के पैसे को रखना, बाकी बचे हुए पैसे को या तो वापस कर दिया जाए या अगली कॉल पे एडजस्ट कर दिया जाए। तो इन्होंने साफ साफ कहा कि हम फालतू वाले पैसे को अगली कॉल पे एडजस्ट करेंगे। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, फालतू पैसे जो प्राप्त हुए हैं उनको हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे। तो सवाल के अनुसार ही हम चलेंगे। 70,000 शेयर की एप्लीकेशन प्राप्त हुई, इसमें से हम अपनी रिक्वायरमेंट यानी कि कितने शेयर की, 50,000 शेयर के पैसे को हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, कैपिटल अकाउंट में, और बाकी जो हमारे पास 20,000 शेयर के बच रहे हैं पैसे उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे अलॉटमेंट पर। यहाँ लिख सकते हैं ट्रांसफ़र्ड, इसका मतलब होता है कि अलॉटमेंट पर ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब इसके कॉलिंग रेट्स को आप लीजिए। कॉलिंग रेट्स क्या है?
फॉलोइंग रेट्स की वर्किंग कर देंगे। 70,000 इनकी टोटल शेयर्स की एप्लीकेशन होती है, जिसमें 50,000 की इनकी ज़रूरत होती है। अब 50,000 में 50,000, 70,000 इस तरीके से इसको कॉमा में डाल देंगे तो इसके 1,000 का भी पता चलता रहेगा। अब यहाँ देखेंगे ध्यान से, तो कंपनी ने कहा कि भाई हमें 70,000 शेयर जो है चाहिए, 50,000 शेयर चाहिए, लेकिन हमारे पास एप्लीकेशन 70,000 की प्राप्त हो रही है। तो इस दौरान हम इसकी रेटिंग चेक कर लेते हैं क्या है। एप्लीकेशन पे 3 रुपये, अलॉटमेंट पे 5 रुपये, फर्स्ट कॉल पर एंड फाइनल कॉल पर एक ही कॉल है फर्स्ट एंड फाइनल, 2 रुपये बचेंगे क्योंकि टोटल कॉल का रेट जो है 10 रुपये का है। तो यहाँ पर हम 3, 5 और 2 इस तरह से इसकी रेटिंग की वर्किंग कर देंगे। तो यहाँ देखेंगे कि किस व्यक्ति ने, किस शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कहाँ कहाँ पैसे दिए हैं, कहाँ कहाँ नहीं दिए हैं। तो यहाँ पर रमेश हु हैड अप्लाइड फॉर 700 शेयर, मिस्टर रमेश जो कि 700 शेयर अप्लाइड लिखा है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, और इस बंदे ने अलॉटमेंट का ही पैसा रोका है। तो आप ये ध्यान दोगे कि जो शेयर होल्डर प्रोराटा सिस्टम में अलॉटमेंट का पैसा रोक लेता है तो आपको उसके बारे में अलॉटेड और अप्लाइड दोनों पता होना चाहिए। यहाँ पर अप्लाइड तो है परंतु अलॉटेड का पता नहीं है, तो हम इसका अलॉटेड पता लगाएंगे कि आखिर मिस्टर रमेश ने कितने शेयर अलॉटेड किया गया है मिस्टर रमेश को, यानी कितना शेयर उनको मिला है। उन्होंने अप्लाइड किया है यानी उन्होंने डिमांड की है, उनकी मांग है कि हमें 700 शेयर मिलना चाहिए। कितना मिलेगा, यहाँ पर लिखेंगे मिस्टर रमेश अप्लाइड, तो दे रखा है, हम अलॉटेड निकालेंगे। अलॉटेड फॉर मिस्टर रमेश ने, अगर अलॉटेड करना है तो आप 50,000 से मल्टीप्लाई करिए और 70,000 से डिवाइड करिए, क्योंकि अप्लाइड यही है और ये उनको अलॉट कर दिया यानी उनको शेयर बांट के दे दिया गया है। और अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर क्वेश्चन में अप्लाइड लिखा है तो आपको अलॉटेड निकालना होगा, यानी कितना शेयर उसको मिला है। अप्लाइड का मतलब कितना शेयर उसने मांगा है। तो यहाँ पर हमें अप्लाइड दिया है तो हमें पता लगाना होगा कि कितना शेयर उसको मिला है। तो 70,000 वालों को 50,000 शेयर मिला है, तो ऐसे ही इसको कितना मिला होगा, तो हम 70,000 से मल्टीप्लाई करेंगे और उससे 50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 70,000 से डिवाइड करेंगे। तो जब 50,000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 70,000 से डिवाइड करेंगे तो हमें ये जानकारी मिल जाएगी कि मिस्टर रमेश को कितने शेयर कंपनी से मिले थे। तो यहाँ पर लिखेंगे 700 शेयर उनका अप्लाइड दिखाया गया है, तो 700 की मल्टीप्लाईकेशन 50,000 यानी 50,000 से करेंगे और डिवाइड करेंगे 70,000 से, तो ये पता चल जाएगा कि उन्होंने कितने शेयर के लिए जो है अप्लाइड किया था और कितने शेयर के लिए इनको प्राप्त, कितने शेयर मिले हैं। तो इनको मिले हैं कितने शेयर, 500, काट दिया इसको, 0,0 सब उड़ गए, 715 500 हो गया। इसका मतलब अब इसकी जो मेन वर्किंग है, अब इसको ध्यान देंगे बहुत अच्छी तरह से, 700 शेयर की इनकी रिक्वायरमेंट और 500 शेयर इनकी पूर्ति हुई है कंपनी की तरफ से। तो इनकी सवाल में ये ध्यान देने वाली बात है कि क्या इनसे फर्स्ट कॉल की गई या नहीं, तो जवाब है यहाँ पर, उन्होंने कहा, क्वेश्चन में बोला गया कि अलॉटमेंट मनी एंड हिज सेलर फेलियर टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वेयर फॉरफिटेड आफ्टर वार्ड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाज मेड। इसका मतलब है इनके शेयरों को अलॉटमेंट के तुरंत बाद फॉरफिट कर लिया गया, उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की गई है। इसका मतलब ये है कि इनसे फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं की गई है। तो नहीं की गई है तो इन पे सिर्फ 2 ही रेट लागू होगा, एप्लीकेशन का और अलॉटमेंट का, 1 3 रुपीज़ वाला और 1 5 रुपीज़ का। इन्होंने 700 शेयर बोला था हमें चाहिए और इन्होंने 3 रुपए के रेट से 2100 रुपीज़ कंपनी को दिए,
और कंपनी ने इनको जब 500 शेयर दिए, 500 500 इंटू 3 कंपनी ने इनके 1500 रुपये रखे और इनके जो पैसे एक्स्ट्रा बच गए वो बच गए 600। कंपनी ने कहा इस पैसे को हम आपको वापस नहीं करेंगे, हम प्रोराटा अलॉटमेंट कर रहे हैं, तो आपका बचा हुआ पैसा अगली कॉल पे कट जाएगा। इनसे अगली कॉल होती है 500 इंटू 5 यानी कि 500 इंटू 5। कंपनी ने कहा हम आपसे 2500 रुपया मांग रहे हैं जिसमें से आपका 600 पुराना कट जाएगा, अब आप हमें 1900 रुपये दीजिए। हो सकता है मिस्टर रमेश को अच्छा ना लगा हो कि भाई हमने 700 शेयर मांगा, मुझको 500 शेयर ही दिया, इस वजह से उन्होंने गुस्से में आकर के या किसी अन्य कारणवश इन्होंने पैसा देना बंद कर दिया। इन्होंने अलॉटमेंट के पैसे देने के बाद, उसको फर्स्ट एप्लीकेशन के पैसे देने के बाद अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया। जब अलॉटमेंट का पेमेंट नहीं किया उस कंपनी ने फोरफिट कर लिया। तो अब ये देखिए क्या कंपनी अब आगे अगली कॉल 50,000 शेयर से करेगी, नहीं करेगी, क्योंकि 50,000 शेयर में से मिस्टर रमेश के शेयर तो जब्त हो गए। अलॉटमेंट के बाद इनसे पैसा ही नहीं मांगा जाएगा, तो 50,000 में से 500 शेयर ख़त्म। अब ये जो वाली कॉल होएगी लास्ट वाली, ये 49,500 से कॉल होगी, ये वाली लास्ट वाली 2 रुपीज़ वाली। और आगे बढ़ते हैं, अब इनकी कहानी तो ख़त्म हो गई, अब देखते हैं अगला बंदा कौन है। अगला बंदा है नेक्स्ट यहाँ पर है आधार, आधार हु हैड बीन अलॉटेड 500 शेयर। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर अलॉटेड शब्द है, यानी कि मिस्टर आधार को 500 शेयर मिले हुए हैं और इन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं पेमेंट किया है, तो यहाँ देखना है कि इन्होंने किया क्या है। तो मिस्टर आधार की बात करते हैं, इनको भी देख लेते हैं इन्होंने कहाँ पैसा दिया है कहाँ नहीं दिया है। तो मिस्टर आधार को 500 शेयर और इनसे सारी कॉल की गई है पूरी 10 के 10 रुपए की। इन्होंने एप्लीकेशन का बड़े आराम से दे दिया, अलॉटमेंट का भी दे दिया, लेकिन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का रोक लिया। तो 500 इंटू 3 यानी कि 500 इंटू 3 1500, 500 इंटू 25 करेंगे तो यहाँ पर 2500 और यहाँ पर 500 इंटू 2 1000, ये पेमेंट नहीं किया, बाकी ये दोनों पेमेंट कर दिया। अब सवाल ये है कि कंपनी ने, देखो यहाँ पर मैं आपको ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जिसमें आप वो भी चीज़ समझ जाएंगे जो आप कभी नहीं समझ पाए होंगे। यहाँ मैं आपको बातों बातों में कैपिटल रिजर्व का वो पैसा बता दूंगा जिसके बारे में आप बहुत माथापच्ची करते हैं, बहुत परेशान होते हैं। अब देखिए ध्यान से कितनी ज़बरदस्त वर्किंग मैं बताऊँगा आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर में से 900 शेयर्स वेयर रीसूड एट ₹8 पर शेयर एज फुली पेड अप। कंपनी ने कहा कि हमने जितना भी शेयर फॉरफिट किया है उसमें से सिर्फ 900 शेयर हम दोबारा ₹8 के रेट से बेचने वाले हैं। अब सोचिए, अब इन्होंने कहा कि हम 900 शेयर ₹8 के रेट से बेचेंगे, 9,872,000 रुपया इनको प्राप्त होगा, लेकिन इनको 9,872,000 प्राप्त होगा, लेकिन सवाल ये है कि 900 शेयर तो इनके है ही नहीं, इनके 500 हैं, इनके भी 500 हैं, इनके 500 तो किसके सारे हैं किसके कम हैं, तो ये भी आगे लिखा रहता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। लिखा है द रीसूट शेयर्स इंक्लूडेड ऑल द शेयर्स ऑफ रमेश। इन्होंने कहा जो हमने फॉरफिटेड शेयर को रीसू किया है उसमें से रमेश के सारे शेयर हैं, तो रमेश का कितना शेयर है, रमेश के 500 शेयर हैं। इसका मतलब है जब इन्होंने कहा हम 900 शेयर रीसू करेंगे जिसमें से पूरे रमेश के सारे शेयर हैं, रमेश को मिला था 500 शेयर मिस्टर रमेश का और 400 शेयर मिस्टर आधार का, दोनों के रीसू होंगे। अभी आप देखिए कि फॉरफिटेड का कितना पैसा यहाँ इस्तेमाल होने के लिए तैयार है, इनके 500 शेयर के कितने पैसे फॉरफिटेड में जाएंगे, ओनली 2100। यही इन्होंने पेमेंट एक बार किया था, दोबारा इन्होंने कभी नहीं किया, ये मैंने अंडरलाइन किया, इसको आप ध्यान देंगे। यही पैसा इनको मिला था कंपनी वालों को 2100 500 शेयर का, तो यहाँ पर लेंगे हम 500 शेयर का, ये है मिस्टर रमेश का, उन्होंने कहा हम सारा शेयर लेंगे, इनके 500 शेयर के पैसे जो होते हैं 2100 इकट्ठे ही लिया गया है सारा का सारा, इनका तो हमने सारा ले लिया, इनका हम लेंगे 400 शेयर मिस्टर आधार के हम लेंगे
ओनली 400 शेयर, क्योंकि 900 शेयर उन्होंने रीशू किया है। तो अगर हम इनके 400 शेयर लेंगे 400, तो इन्होंने कितना पेड किया हुआ है, 5 रुपये और 3 रुपये, 5 और 3 8 रुपये। तो 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इन्होंने, इसका मतलब है कि 4 8 3200 रुपये इनके टोटल। इसका मतलब कंपनी में जो फॉरफिटेड का पैसा इस्तेमाल होने के लिए रेडी है 5300 इस वक्त मौजूद है। जब हम यहाँ पर रीइशू करेंगे और हमारे पास पैसा कम पड़ेगा तो हम इसमें से पैसा लेंगे 5300 में से। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सिंपल वर्किंग मैंने बताई है। हर क्वेश्चन को आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इसमें से जितना पैसा हम यूज कर लेंगे, वह पैसा बचने के बाद इसमें से जो बचेगा उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब आप देखिए, यहाँ पर हम कैपिटल रिजर्व भी चेक कर लेते हैं। अब देखिए, इन्होंने कहा कि हमने 900 शेयर 8 रुपये के रेट से बेचा है, 9 8 7200 रुपये, इसका मतलब फुली पेड बोल रहे हैं तो 2 रुपये यहाँ कम पड़ रहा है, तो 9 2 1800, इसका मतलब हम कैपिटल जो हमने फॉरफिट का इस्तेमाल करना है 9 2 18 9 2 1800, यानी कि 1800 रुपये हम इस्तेमाल करेंगे। तो 1800 रुपये हम इस्तेमाल करेंगे तो 1800 रुपये हम इसी में से निकालेंगे 5300 में से। तो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व आप वर्किंग में चेक कर सकते हैं, 5300 में से आप 1800 निकाल दीजिए, आपका कैपिटल रिजर्व कितना बनता है 3500, यानी कि 3500 रुपये। दिस इज़ द गुड आंसर, और आपको हम दिखा भी दे रहे हैं। और ये रहा, आप देखिए 3500 कैपिटल रिजर्व, बहुत शॉर्टकट तरीके से, बहुत ही बेस्ट तरीके से मैंने आपको इसको दिखाया है, बताया है। अब हम इसकी जर्नल एंट्री सटाक सटाक कर देंगे, मिनट नहीं लगेगा इसकी जर्नल एंट्री करने में। देखिए ध्यान से, जर्नल एंट्री बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप समझेंगे इसको। जर्नल एंट्री शुरू कर देते हैं। जर्नल, यहाँ पर कंपनी का नाम जरूर डालिए, जर्नल किसकी बुक में हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन नहीं। और यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो कंपनी का नाम है राजा लिमिटेड, इसका मतलब है जर्नल इन द बुक ऑफ राजा लिमिटेड, इन द बुक ऑफ राजा लिमिटेड। अगर एक बार वर्किंग हो जाती है तो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बच जाते हैं और सवाल भी सॉल्व होने लगता है धड़ाधड़। तो कॉलम आपको पता ही है, जनरल एंट्री कैसे कॉलम खींचा जाता है, जिसमें हम आराम से खींचेंगे। और राइटिंग का पूरा ध्यान रखिएगा, एग्जामिनेशन में राइटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। हमने बहुत बारीक पेन लिया है जिससे हम आपको बता भी सकें, दिखा भी सकें। यहाँ पर जो है डेट, पार्टिकुलर्स, जनरल एंट्री जो कॉलम बनते हैं नॉर्मली वैसे ही बनाएंगे। देख लिया आपने, जनरल एंट्री कॉलम रेडी हो गया है। इस वक्त अब हम एंट्री करेंगे। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमारे पास 70,000 की एप्लीकेशन, ये वाली यहाँ रख देंगे और इस वाले को यहाँ रख देंगे नीचे। 70,000 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, 70,000 × 3 210,000 रुपये हमें प्राप्त होंगे। हम यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट करेंगे, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये नरेशन तो आप लोगों को पता ही होगा, बार बार करते हैं तो हम यहाँ पे नरेशन थोड़ा इग्नोर कर देते हैं, फिर भी 2-4 लिख देंगे ताकि आपको ध्यान रहे कि बार बार हम ऐसा ही करेंगे। 70,000 × 3 210,000 रुपये की जो है एंट्री अमाउंट डाला जाएगा, 210,000 रुपये यहाँ डलेंगे और 210,000 रुपये यहाँ डलेंगे। इसके बाद अगली कॉल हम देखते हैं, उससे पहले हमें इस पैसे का ठिकाने लगाना है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ देखिए इसमें हमने 2 टुकड़े किया था पैसों का। ये जो हमारे शेयर हैं 50,000
20,000 70,000 की एप्लीकेशन आई थी, 50,000 कैपिटल में ट्रांसफ़र हुआ था और 20,000 अलॉटमेंट पे। तो 50,000 ही शेयर है ना कि ये रुपया। 50,000 इंटू थ्री करेंगे, 20,000 इंटू थ्री यानी 50,000 इंटू थ्री, 20,000 इंटू थ्री इनके पेमेंट्स तैयार हो जाएगी। तो 50,000 इंटू थ्री करेंगे तो हमारे शेयर एप्लीकेशन में से पैसा 2,10,000 में से दो टुकड़े हो जाएंगे। कहाँ कहाँ पैसे जाएंगे आप देख लीजिए, दो जगह जाने हैं पैसे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल में जाएगा 50,000 इंटू थ्री, इसका मतलब हुआ कि यानी कि 50,000 इंटू तीन 1.5 लाख रुपए चले गए। और उसके बाद टू शेयर अलॉटमेंट, वापसी के बारे में नहीं लिखा गया है तो वापसी हम नहीं करेंगे। उसके बाद यहाँ लिख देंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, एडजस्ट हो गया। अब अगली कॉल हम करेंगे नेक्स्ट 50,000 इंटू पाँच यानी 50,000 इंटू फाइव शेयर अलॉटमेंट की कॉल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पचास हज़ार इंटू पाँच किया था तो इसका मतलब है 2.5 लाख रुपए की कॉल हुई इस तरह से। और यहाँ पर लिख देंगे बी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। जब हम इसके बैंक में पहुंचेंगे, अब आपको ध्यान से देखना है ये वाला पॉइंट, जब इसके हम बैंक में पहुंचेंगे तो हम कैसे एंट्री पास करेंगे। यह यहाँ पर एक बहुत बड़ा सीरियस पॉइंट है जिसमें आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। बैंक, ज़्यादातर बच्चे बैंक को गलत कर देते हैं। यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट, पहले आप वो काम करिए और चेक करिए क्या अलॉटमेंट पर कोई एरियर है। तो हमने अपने वर्किंग में दिखाया था कि मिस्टर रमेश की वर्किंग थी यहाँ पर 500 शेयर की, जिसमें मिस्टर रमेश ने 1900 रुपये यहाँ पर कटवा लिए हैं यानी कि नहीं पेमेंट किया है। 1900 शेयर अगर नहीं 1900 रुपये नहीं किया है तो इसका पेमेंट हम अलॉटमेंट पर ही बैंक में काट देंगे। और दूसरी बात कि अलॉटमेंट पर हम और चेक करेंगे हमने कितने पैसे मांगे हुए हैं, तो हमें पता चलता है कि हमने अलॉटमेंट पे 2.5 लाख रुपए की डिमांड यहाँ पर की हुई है। तो जब 2.5 लाख की है तो यहाँ पर अलॉटमेंट पे हमने पैसा ट्रांसफ़र किया है जिसका अमाउंट मैंने पहले नहीं लिखा था, लेकिन अब आपको लिख के दिखाऊँगा कि यह पैसा यहाँ कैसे एडजस्ट होगा। अब देखिए अलॉटमेंट पर यहाँ पर 20,000 शेयर है, 20,000 के पैसे 3 रुपये के रेट से ही यहाँ पर ट्रांसफ़र होंगे, 20 60,000। अब आप देखिए इसको 60,000 मैंने लिखा है, ये 60,000 यहाँ अलॉटमेंट के नाम से लिखा है, इसका मतलब इतना पैसा अलॉटमेंट के इस कॉल पर यानी कि यहाँ बैंक में कम हो जाएंगे। अगर बैंक में कम होंगे तो 2,25,000 के बजाय हमें हमारी जो शेयर अलॉटमेंट का पेमेंट है टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट के नाम से हमको 1,90,000 रुपये प्राप्त होंगे। हम 60,000 इसमें से माइनस कर देंगे, इस वाली कॉल में से जो हमारी कॉल है 190 हमें मिलेगा। लेकिन मिस्टर रमेश ने क्योंकि यहाँ पर एरियर कर दिया है तो क्या हमको 1,90,000 रुपये प्राप्त होंगे क्या? नहीं प्राप्त होंगे, हम इसमें से 19 रुपये का एरियर कर लेंगे। हमें प्राप्त होंगे 1,88,100, 1,88,100, बाकी हो जाएगा कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को कर लेंगे डेबिट। क्वेश्चन में कभी कभी कॉल्स इन एरियर के बारे में बोलता है और कभी कभी बोलता है कॉल्स इन एरियर को साइलेंट कर देता है। इसमें हम यह मान के चल रहे हैं कि कॉल्स इन एरियर के बारे में कह रहा है, क्योंकि मान लीजिए अगर कह नहीं रहा होगा तो आप कह रहा होगा वाली सिचुएशन में डाल देंगे। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि हम सवाल कॉल्स इन एरियर को यह मान के कर रहे हैं कि उसमें कॉल्स इन एरियर के बारे में कहा गया है। तो यहाँ पर हमारे कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट यहाँ पर कितना रुपया कट गया है? 1900 रुपये यानी कि 1900 मिस्टर रमेश ने रोक लिया है। यहाँ पर मिस्टर रमेश की वर्किंग में ये पैसा दिख गया है। अब देखिए ध्यान से,
अब ये पैसा हमें पूरा मिल चुका है जिसमें से 1900 का एरियर हो गया है। अब अगली कॉल करने से पहले इसकी नरेशन लिख देते हैं। बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट का पैसा हमें मिल गया। ठीक, इसके बाद हम अगली कॉल करने से पहले अब ये देखिए कि इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि मिस्टर रमेश के शेयर को फॉरफिट कर लिया गया है तुरंत अलॉटमेंट के बाद। ये इस बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। अब देखेंगे कि मिस्टर रमेश के कितने शेयर थे, कितना रुपया पेड है। मिस्टर रमेश के 500 शेयर हैं, 3 रुपये के हिसाब से 700 शेयर के उन्होंने डिमांड की थी तो 2100 रुपये उन्होंने दिया था। कंपनी पूरे 2100 जब्त कर लिए और 1900 का इनका एरियर हो गया, लेकिन इनके नाम पे 500 शेयर ही कंपनी ने रजिस्टर्ड किया था। तो 500 × 8 के हिसाब से इनका कैपिटल रिजेक्ट हो जाएगा। 500 × 8 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, कितना रुपया, 4000 रुपया, ओनली 4000 टू शेयर फॉरफिटेड, वो पैसा डालेंगे जो इन्होंने पेड किया हुआ है, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ रहे थे कि भाई कितना रुपया पेड किया हुआ है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में चला जाएगा। कितना रुपया है ये, यहाँ पर हम बुक में आपको वो चीज़ दिखा भी दे रहे हैं कि इन्होंने कितना शेयर जो है मांगा था, वो सिचुएशन क्या है इनकी। यहाँ पे देखिए 700 शेयर था, ये अप्लाइड है, इसको मिला नहीं है, इसको मिला है 500 शेयर जो मैंने आपको दिखा दिया है। इस हिसाब से तो मिस्टर जो है रमेश के शेयर फॉरफिट हो चुके हैं और इनके फॉरफिटेड में कितना पैसा गया है, ठीक मैं एक बार और दिखा दे रहा हूँ आपको। ये जो पेमेंट हुआ है जिसको मैंने अंडरलाइन किया था, यही पेड हुआ है, यही फॉरफिटेड में चला जाएगा। फॉरफिटेड में आपको 2100 रुपये डालने होंगे और जिस कॉल का पैसा नहीं मिला है वो है अलॉटमेंट और उस पर हो गया कॉल्स इन एरियर। तो यहाँ लिखिए कॉल्स इन एरियर्स हो गया है 1900 रुपये का, क्योंकि कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन है, खुला हुआ है, तो जो पैसा रोकेगा उसका नाम डाल देंगे। उस कितने रुपए के एरियर हुआ, बीइंग अमाउंट ऑफ 500 शेयर्स फॉरफिटेड, जब्त कर लिया गया है 500 शेयर का पैसा। इसके बाद उन्होंने कहा हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 49500 शेयर के 2 रुपए के रेट से पेमेंट मांगी जा रही है, 49,500 × 2। तो हमारे बैंक में पैसा 2 के हिसाब से मांगा जा रहा है, तो पहले हम ड्यू करेंगे। ड्यू करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। समय तो लग रहा है, लेकिन आप सोच भी रहे होंगे कि टाइम भी लग रहा है, लेकिन समझ में आना चाहिए, बेशक 2 मिनट फालतू लग जाए। बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, वर्किंग में हमने बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत शॉर्ट बताई है, बहुत ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 49,500 के हिसाब से, 49,500 के हिसाब से 2 रुपीज़ का है यहाँ पर, तो 49 × कर देंगे तो जो भी आएगा अमाउंट वो रकम होती है 99,000। 99,000 की हमारी डिमांड हो रही है। तो अब हमें अगर मान लीजिए 99,000 डिमांड हो रही है, तो हमें मिलेगा कितना, हमको मिलेगा इस वक्त बंदे को चेक करेंगे तो कौन एरियर वाला आपकी बार बन रहा है, आपकी बार एरियर वाला बन रहा है मिस्टर आधार। मिस्टर आधार को देखेंगे तो 1000 रुपये रोक रहा है ये, तो हमने कॉल सिन एरियर का अकाउंट ओपन किया हुआ है, तो जब हम बैंक में लिखेंगे इसको तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट कॉल सिन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल सिन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ पर देखिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 99,000 का है हमारी
डिमांड के मुताबिक। लेकिन यहाँ पर मिस्टर आधार ने 1,000 रुपये का एरियर कर दिया है, तो 1,000 रुपये आप काट दीजिए। अब हमें कितना रुपया मिलेगा, 1,000 कट गए तो मिलेंगे 98,000 रुपीज। अब मिस्टर आधार का भी फोरफिट होगा, मिस्टर आधार का फोरफिट होगा। देखिए मिस्टर आधार की क्या है इस वक्त सिचुएशन, मिस्टर आधार ही रहे 500 शेयर में 1500 यहाँ पेड है, 2500 यहाँ पेड है और ये अनपेड है, ये दोनों मिलाकर के फोरफिट में चले जाएंगे, जो पेड है 4,000 रुपये और ये कॉलसिन एरियर हो जाएगा। और 500 शेयर के पूरे 10 रुपये के हिसाब से इनसे कॉल की गई है, पूरे 5,000 रुपये। जनरल एंट्री के लिए थोड़ी सी और लाइन खींचेंगे, इसके बाद हम जनरल एंट्री में इनको डाल देंगे। मिस्टर आधार की बात करते हैं तो यहाँ लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पेन इंक छोड़ रहा है, कैसे पेन ले लो, कुछ ना कुछ खराबी रहती ही है। टू शेयर फॉरफिटेड, फॉरफिटेड मैंने आपको बताया था कितना रुपया लेंगे, फॉरफिटेड में लेंगे 4,000 रुपये और मिस्टर आधार का पैसा है 5,000 रुपया टोटल, 4,000 रुपये फॉरफिट में चले जाएंगे और टू कॉल सिनेरियर हो जाएगा। कितने रुपए का, जितना उन्होंने दिया नहीं है, उन्होंने कितना नहीं दिया है, 1,000 रुपये, जो कि मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पर मिस्टर आधार की सिचुएशन को देखेंगे तो 1,000 पर कट लगा हुआ है, अनपेड है और ये दोनों राइट लगा हुआ है, पेड है, तो इस हिसाब से 4,000 रुपये फॉरफिट में गए और ये कॉलसिन एरियर में चला गया। बहुत ही अच्छे तरीके से हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई त्रुटि हो तो भाई हम कोशिश करेंगे सुधार लेंगे। बीइंग अमाउंट ऑफ 500 शेयर्स फॉरफिटेड, हमने जब्त कर लिया। अब सोचिए, अब लास्ट ऐसी सिचुएशन आ रही जहाँ पर बच्चे घूम जाते हैं, जहाँ की वजह से मैंने वर्किंग कर दी है ऑलरेडी पहले ही। 900 शेयर कंपनी ने कहा कि री इशू किए जा रहे हैं, जिसकी हमने वर्किंग शुरू में कही थी। 900 शेयर्स री इशूड एट द रेट ऑफ रुपये 9% फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब होता है कंपनी पूरे पैसे करवाना चाहती है 10 के 10 रुपये। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट हम करेंगे डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे 900 × 8। सोचिए 900 × 8 के हिसाब से कंपनी पैसा मांग रही है, 7200 के हिसाब से पैसा कंपनी के पास आएगा। 900 × 2, 2 रुपये कंपनी, क्योंकि कंपनी को 10 रुपये पूरे करके यहाँ जब शेयर कैपिटल में पैसा डाला जाएगा तो उन्होंने कहा है कि हम फुल्ली पेड में पूरे पैसे करवा रहे हैं, तो 900 × 10 का पैसा पूरा होना चाहिए 9,000। तो 900 × 2 ये पैसे कम पड़ गए 2 रुपये के हिसाब से, ये शेयर फॉरफिटेड से लिए जाएंगे। शेयर फॉरफिटेड से जब पैसा लिया जाएगा तो वहाँ से भी ये पैसा डेबिट कर लिया जाएगा, यहाँ पर 1800 रुपये, 1800 यानी 1800 कंपनी ने अपने पैसे पूरे कर लिए। यहाँ पर लिख देंगे बीइंग अमाउंट ऑफ 900 शेयर्स रिसीव्ड, उसके बाद आप देखिए वो लास्ट एंट्री जिसको मैंने बताया था, जिसके बारे में मैंने पहले बता दिया था कि कंपनी ने 900 शेयर जो लिए हैं रीइशू किए हैं, 500 शेयर मिस्टर रमेश के, 400 शेयर आधार के, तो 500 रमेश के जो फॉरफिटेड का पैसा है 2100 रुपये और आधार के जो 400 शेयर हैं इनके 8 रुपये के हिसाब से 3200 रुपये, टोटल मिला के 5300 हो गया। इसमें से ही कंपनी 1800 रुपये निकाल लेगी, जो कंपनी ने यहाँ पर 1800 रुपये इस्तेमाल किया है, और इसके बाद कंपनी के पास जितना बचेगा 3500 रुपये कंपनी के पास ये वाले बच जाएंगे, इसे कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देगी। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो है रेडी हो चुका है पूरी तरह से। 3500 कितना आया था, 3500 3500 रुपये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो गए, जिसको हमने वेरीफाइड बुक से भी कर लिया था, जो कि यहाँ पर मैंने दिखाया भी था।
देखिए कितना शॉर्ट तरीके से मैंने इसको किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर तीन चीज़ ज़रूर करिएगा ताकि और बच्चों तक पहुंच जाए और जो है मेरा ये चैनल आप लोग ही पॉपुलर करेंगे, आप लोग ही मशहूर करेंगे। मैं आप लोगों को अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो हम उसको आप सुझाव देंगे, आप अपने कमेंट में लिखेंगे तो मैं ज़रूर सुधारने की कोशिश करूँगा। ये पैसा हमने ट्रांसफ़र कर दिया कैपिटल रिजर्व में, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नरेशन में वही होता है जो हमारे क्वेश्चन की डिमांड होती है, ऐसा नहीं नरेशन कोई बच्चा लिख सकता है, थोड़ी सी उसमें कॉमन सेंस की ज़रूरत रहेगी कि भाई हम इसमें कर क्या रहे हैं, जो कर रहे हैं वही लिख दीजिए बींग लगा करके। तो इस प्रकार से आपने देखा कितने आसानी से मैंने आपको जो है इसको बताया है। तो आपको करना क्या है, आपको हमारे चैनल को दो काम करना है, एक तो लाइक करेंगे शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ज़रूर करेंगे। मुझे उम्मीद है कि सब्सक्राइब औरों से भी करवाइएगा, चैनल मशहूर करने में सिर्फ आपका ही योगदान ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को प्रमोट भी करेंगे और अपने यार दोस्तों को, अपने और दोस्तों को बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो अब इस वीडियो को यहीं पर बंद करते हैं और अगले वीडियो हम और बनाएंगे, प्रोराटा वाले बनाने चल रहे हैं जिसमें कैटेगरी प्रोराटा अलॉटमेंट होगा, उसमें कैटेगरी अलॉटमेंट होगा।